नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर ओ का और एक महत्वपूर्ण दवाई जिसका नाम है ओपियम, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स और की नोट्स के बारे में बात करूंगा। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ओपियम एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, पॉलीक्रेस्ट दवाई है, सर से लेकर पाँव तक बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन सबके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा, वो आपको मेट्रिया मेडिका में या बहुत सारे दूसरे वीडियोज़ में मिल जाएगा। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम मिलेगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट दवाई है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ये काम आ सकता है। घर में इसको ज़रूर रखना, 30 या 200 दोनों पोटेंशियल बहुत ही कारगर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई भी दवाई उनको काम नहीं करता क्योंकि उनको वाइटलिटी बहुत कम है, बॉडी में वाइटलिटी बहुत कम है। कोमाटोस स्लीप, आपने मटेरियल में यह देखा हुआ, कोमाटोस स्लीप, हमेशा नींद भरा रहता है, पड़ा रहता है, उसमें अंदर वो जोश नहीं है, ताकत नहीं है, सोया हुआ पड़ा रहा, नशे के हालात में पड़ा रहता है। जैसे अगर किसी ने शराब खा लिया हो, या अफीम से बनता है ना ओपियम, इसलिए उसकी कैटेगरी का ये जो भी सिम्टम्स है वो आ जाता है कि कोई अगर नशा करके अगर पड़ा रहता है जिस तरह से, तो उस तमाम उस तरह से नॉन वाइटलिटी, उसके अंदर वो वाइटल फोर्स नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव होकर पड़ा रहता है, तो वो जितने भी कंडीशन है उसमें बहुत ही बढ़िया काम देता है ओपियम। अगर इंजरी लग जाता है, भय, अगर किसी को अचानक से कोई डर गया, अचानक से अगर बहुत ज़्यादा जॉय खुशी हो गई उसको और उसके बाद वो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तो ओपियम भी उसको देते हैं। भय के कारण एकोनाइट भी दिया जाता है, और खुशी में जो प्रॉब्लम होता है उसमें कॉफिया भी दिया जाता है। ये कॉम्पेरेटिव स्टडी आप हमेशा याद रखना। तो ये जो मैंने कहा था कि वाइटल फोर्स बहुत कम होने के कारण ओपियम दिया जाता है, उसको वो उत्तेजित करता है, उसको कंट्रोल में लाता है, ये ओपियम का प्राइमरी सिम्टम है। कुछ दूसरे सिम्टम है जो कि बहुत ही हाइपर एक्टिव मिलेगा, वो मेडिसिनल रिएक्शन है, वो सेकेंडरी एक्शन में आता है, उसमें भी ओपियम आप दे सकते हैं। एक ड्रग एक्शन, दूसरा सेकेंडरी एक्शन, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो प्राइमरी जो लक्षण है, वाइटलिटी का कम होना और कोमाटोस स्लीप, बड़े रहना बिना कोई रिएक्शन के, तो ये जो वाइटलिटी लो होने के कारण बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, एक पैरालिटिक या सेमी पैरालिटिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें, स्टूल एकदम हार्ड हो जाता है क्योंकि जो रेक्टम होता है वो बिल्कुल पैरालाइज स्टेट में आ जाता है, निकलता ही नहीं स्टूल, काला होके बॉल्स जैसा बन जाता है, फिर भी वो निकलता नहीं है, पड़ा रहता है, उसको मैकेनिकली निकालना पड़ता है। ठीक ब्लैडर में से यूरिन, उसी तरह से पैरालिटिक कंडीशन में वो निकल नहीं पाता, प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएशन नहीं हो पाता, तो वो पड़ा रहता है। तो इस तरह से जो भी पैरालिटिक या सेमी पैरालिटिक कंडीशन में आपके बॉडी के ऑर्गन्स और उसके फंक्शन होते हैं वो आपको ओपियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ होता है क्लिनिकली, हम लोग इसको हेड इंजरी में देते हैं। हेड इंजरी में जैसे कि आपको आर्निका, नेट्रम सल्फ, हेलीबरस, सिक्यूटा विरोसा, ये सब काम करता है, ओपियम भी उसी कैटेगरी में काम करता है। कंक्यूजन में बहुत ही ज़बरदस्त उसको चोट लगा है एक्सीडेंट के कारण और आप वो कोमाटोज में कोमा के स्टेज में चला गया, तो आप उसको ओपियम दे सकते हैं। 1 mm का एक या सिंगल डोज या दो डोज आप दे सकते हैं, बहुत ही क्विकली उसको रिमूव करेगा, उसका जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको रिमूव करेगा, उसकी जान बचा सकता है। ये हेड इंजरी में बहुत ही जो मेडिसिन दिया जाता है एक महत्वपूर्ण दवाई है, आर्निका, हेलीबरोस, नेट्रम सल्फ और सिकुटा के साथ कंक्यूजन में दिया जाता है। नेक्स्ट इसका आता है ओपियम का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम की नोट्स आता है क्लिनिकल टिप्स में, वो है रेस्पिरेशन। कम स्ट्रेस, बहुत ही स्ट्रेस उसको फील होता है, बहुत ही जो डिस्नी कंडीशन, सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत ही मतलब दबा के वो सांस लेता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता, और इसके कारण और एक लक्षण आता है जो कि क्लिनिकली भी यूज होता है, स्नोरिंग में उसको जो स्नोरिंग होती है, उसका आवाज़ आती है जो, उसमें भी यूज़ होता है लैक कैनाइनम, और एक दवाई है जो कि ओपियम के साथ साथ दिया जाता है, तो वो स्नोरिंग में बहुत ही बढ़िया काम करती है। मदर टिंचर में हम लेमनामाइनर यूज़ करते हैं जो कि स्नोरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में ओपियम के साथ मैच करती है और साथ ही साथ आप दे सकते हैं, लेकिन इन दवाइयों में आपको थोड़ा डिफरेंस देख के देखना पड़ेगा, जो उनके दूसरे सिम्टम्स हैं, जो दूसरे साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको आप मैच करना। जो भी केस टेकिंग के दौरान अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको दूसरे दवाइयों का मैच करे
तो वो आप देना बहुत ही परफेक्टली काम करेगा, बीमारी कोई भी क्यों ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, देखते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।